नमस्कार दोस्तों, अलाउंडर बात कर रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे छोटे और मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और मौज में होंगे। तो आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो T20 सीरीज चल रही है 5 मैचों की, उसका वीडियो मैं कैसे डाल रहा हूँ। मैंने फर्स्ट मैच का वीडियो नहीं डाला, सेकेंड का नहीं डाला, थर्ड का नहीं डाला, फोर्थ का नहीं डाला, अब ये पांचवें मैच का वीडियो मैं क्यों डाल रहा हूँ? देखो, मैं आपको भी पता है कि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं था, अभी बिग बैश को कवर कर रहा था, बिग बैश के मैचेस ही उसको ही कवर कर रहा था, सिंपल एक ही दिन में एक मैच कराता था, उसकी वीडियो अपलोड करता था। लेकिन अभी बिग बैश का कोई मैच नहीं है कल के दिन, तो भाई ये मैच जो कि मेरे पास आया है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का, तो ये जो सीरीज है 5 मैचों की सीरीज थी जो कि पाकिस्तान टूर कर रही है न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड अपने घर में ये मुकाबले खेल रही है उनके अपने होम टाउन में। तो अभी तक 4 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं और 4 में से 4 मुकाबले न्यूजीलैंड की टीम बैक टू बैक जीती है। पिछला मुकाबला जरूर अच्छा बना था, जैकपॉट बना था, एक तरीके से अगर देखा जाए डबल साइडेड जैकपॉट था। उस मैच में 30-35 पैसे पाकिस्तान की टीम फेवरेट आई, लेकिन वहां से भी न्यूजीलैंड ने वो हारा हुआ मुकाबला भी जीत में बदल दिया। तो न्यूजीलैंड के भाई बॉलिंग ले लो चाहे बैटिंग ले लो, काफी अच्छी नजर आ रही है, टच में नजर आ रही है, उनके हर एक प्लेयर्स फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम T20 का परफॉर्मेंस अगर उठाकर देखें पिछले सालों का, तो काफी अच्छी नजर आती थी, कांटे की टक्कर का मुकाबला देती थी और जीतती भी थी, और नंबर 1 चैंपियंस में बैठी हुई थी पाकिस्तान की टीम एक टाइम पे। लेकिन वो ताज उनके सर से हटा लिया गया है और न्यूजीलैंड अपने ही होम टाउन में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को आपको दिखा रही है। लेकिन ये कल का मुकाबला जो कि आपको अब देखने को मिलेगा कल के दिन, अब कल का मुकाबला कौन जीतेगा, ये मुकाबला कल के दिन खेला जाएगा। न्यूजीलैंड अपने ही होम ग्राउंड ओवल में ये मुकाबला खेलेगी और ये मुकाबला 5वां T20 कहलाएगा। अभी 4 मुकाबले तो पाकिस्तान हार चुकी है, अब ये 5वां मुकाबला जीतेगी या हारेगी, तो मैं आपको पूरा वीडियो देखना, सभी मैं चीजें आपको क्लियर करूंगा। ये ग्राउंड आप देख सकते हो, ओवल क्रिस्टचर्च का ये ग्राउंड है, काफी खूबसूरत ग्राउंड है, काफी रन बनते हैं इस ग्राउंड में, काफी रन बनते हैं, ये बात ध्यान रखना। और वहीं पे अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट आपके सामने है, 68-69 68-69 पैसे का रेट है। न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट है। अब न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट इसलिए है क्योंकि 4 मुकाबले भी न्यूजीलैंड की टीम जीती है और उनके ही होम ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जा रहा है, तो न्यूजीलैंड का फेवरेट बनता है। और ये मुकाबला कल आपको 5 बजे आपको देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पे पिछले 10 मुकाबलों की अगर मैं बात करूं इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं, तो 6 मुकाबले जीती है न्यूजीलैंड की टीम और 4 मुकाबले जीती है पाकिस्तान की टीम। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड का पड़ला मुझे भारी नजर आ रहा है हेड टू हेड में। तो और मैं आगे बात करूंगा विनिंग परसेंटेज की, तो विनिंग में देखो ये 5वें मुकाबले में न्यूजीलैंड को मिले हैं 31% और पाकिस्तान को मिले हैं 69% चांसेस। तो यहाँ पे पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो 5वां मुकाबला बोल रहा है कि पाकिस्तान का परसेंटेज मुझे ज्यादा नजर आ रहा है 5वें मुकाबले में। और रिसेंटली अभी 2 मुकाबले हुए थे इन दोनों टीमों के बीच में, और पिछले 2 मुकाबलों की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड दोनों मुकाबले जीती है, अच्छे मार्जिन से जीती है, 7 विकेट से जीती है और एक मुकाबला 45 रन से जीती है। तो न्यूजीलैंड का पड़ला मुझे बहुत भारी नजर आ रहा है क्योंकि उनका हर एक प्लेयर टच में मुझे नजर आ रहा है। तो देखो रिसेंटली आपको दिखा दूं तो 4 मुकाबले न्यूजीलैंड की टीम जीती है 5 मैचों की सीरीज में, और ये लास्ट मुकाबला है। अगर ये भी अगर न्यूजीलैंड जीत गई तो क्लीन स्वीप एक तरीके से, पूरा मतलब खत्म, पूरा खत्म एक तरीके से, पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का, एक भी मैच हाथ नहीं लगेगा न्यूजीलैंड के टूर करने में। तो ये मुकाबला आपको संडे के दिन 31 जनवरी 2024 को 5:30 बजे सुबह मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। तो अमेजॉन प्राइम, जो जो भाई अमेजॉन प्राइम चलाते हैं उनको ये मुकाबला वहां देख सकते हो। तो रेट आपके सामने है, मैच आपके सामने है, रेट भी आपके सामने ही रखा है, रेट ये चल रहा है, आपको दिखाऊं कि न्यूजीलैंड फेवरेट है 67-68 पैसे और ये लास्ट मुकाबला होगा। अभी 4 मुकाबले न्यूजीलैंड बैक टू बैक जीत के आई है, अब ये आखिरी मुकाबला है। अगर पाकिस्तान को अपनी नाक बचानी है तो ये मुकाबला जीतना ही पड़ेगा। अगर ये भी मुकाबला अगर पाकिस्तान नहीं जीतती तो एक तरीके से रिकॉर्ड बनेगा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड में जाके मुंह के बल खाएगी। मुंह के बल खाने का मतलब एक तरीके से खत्म हो जाएगी क्लीन स्वीप। इतनी बुरी हार कोई भी नहीं हारता, इतनी बुरी हार तो जिम्बाब्वे भी नहीं हारी थी अभी जो रिसेंटली मुकाबले हुए थे श्रीलंका से कोलंबो में। तो यहाँ पे अगर उसको नाक बचानी है, इज्जत रखनी है पाकिस्तान को, तो ये कल का मुकाबला उसको जीतना पड़ेगा। रेट भी देखो आपको फेवर कर रहा है क्योंकि रेट इतना हैवी चल रहा है। देखो ये रेट बनता नहीं है,
न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड है और न्यूजीलैंड बैक टू बैक जीत कर आ रही है। अभी मैं आपको मैचेस दिखाता हूँ, एक मिनट। तो मैचेस आप देख लीजिए, फर्स्ट मुकाबला ऑकलैंड में था, न्यूजीलैंड जीता कितने रन से, 46 रन से। दूसरा मुकाबला हैमिल्टन में था 21 रन से। तीसरा मुकाबला भी देखो, ये मुकाबला भी न्यूजीलैंड जीती 45 रन से, और ये चौथा मुकाबला भी न्यूजीलैंड जीती 7 विकेट से। तो ये मुकाबले आप सामने देख सकते हो कि न्यूजीलैंड कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है पाकिस्तान के सामने। ना तो पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही है, ना बैटिंग चल रही है। न्यूजीलैंड का हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, अच्छा चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे अब ये लास्ट मुकाबला, क्या न्यूजीलैंड फिर से जीतेगी और पूरी सीरीज में कब्जा करेगी, क्लीन स्वीप देगी पाकिस्तान को? तो मैं पूरी वीडियो में आपको मैच का विनर ही बताकर जा रहा हूँ। तो आप कमा लेना जो भाई सुबह उठ सकते हैं। अभी अभी टाइमिंग आप देख सकते हो, 5:30 सुबह का दिन, सुबह के टाइम पे तो मैं भी अवेलेबल नहीं रहूंगा, लेकिन मैं टीम का विनर, मैच का विनर देकर जा रहा हूँ। तो मैं जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे मैच को आपको करना है। देखो यहाँ पे हो सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम और भी फेवरेट मिले आपको मैच में, तो वहाँ पे आप बिना डरे न्यूजीलैंड की टीम को खा लेना और पाकिस्तान की टीम को मैच में प्लस करना। न्यूजीलैंड की टीम अगर अंडर 20 पैसे 30 पैसे भी बोर्ड पर फेवरेट नजर आए तो खा लेना, और वहां से आपको एक बार मैच में पाकिस्तान अंडर 30 पैसे या अंडर 20 पैसे आपको फेवरेट नजर आएगी तो लॉस कट एंड बुक सेट करके दोनों साइड प्रॉफिट कमा लेना। और रही बात मैच के विनर की, तो मेरे अकॉर्डिंग, मे बी अकॉर्डिंग, कल का मैच का विनर पाकिस्तान जीत रही है, क्योंकि ये उनकी इज्जत वाली बात है, उनकी नाक वाली बात है, उनकी साख वाली बात है। और ये मैं चाहता हूं कि भाई ये मुकाबला पाकिस्तान जीते, क्योंकि ये पैसा देकर जाएगा ये मुकाबला। अभी भी जितने भी मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं, एक मुकाबला छोड़ के सारे वन साइडेड बुकी मैचेस हुए हैं। तो ये मुकाबला एक ऐसा मुकाबला हो सकता है कि जिसमें पाकिस्तान जीतेगा भी और एक जैकपॉट भी देकर जाएगा। और कल वैसे भी संडे का दिन है, और संडे का दिन है, ये मैच की टाइमिंग आप देख सकते हो 5:30 पे। और ये जो मैच की टाइमिंग मैं बताकर जा रहा हूं, जब ये ऐसे टाइम पे इंडिया में मैचेस जब प्ले होते हैं ना, तो ये जैकपॉट बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट सोया होता है, उसी टाइम पे बुकी जैकपॉट उड़ा देता है, और जिस मैच में फुल टू मार्केट ऑन रहता है तो उसी मैच में बुकी गांड भी मारता है। तो हो सकता है कि कल के दिन एक जैकपॉट बने और पाकिस्तान ये मुकाबला जीते। तो मेरे अकॉर्डिंग कल का मैच का विनर पाकिस्तान जीत रहा है। और जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा सभी भाइयों से, तो सभी भाई हमारे चैनल ऑलराउंडर फैमिली का चैनल है, जिसपे आप वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, जैसे कि लॉस कट कैसे की जाती है, बुक सेट कैसे बनाई जाती है, जैकपॉट मैच को कैसे देखा जाता है, मैच में भाव को कैसे पता कर सकते हैं, मैच में रेट की चोरी कैसे पता कर सकते हैं, हर वो चीज़ का वीडियो आने वाला है। तो उससे, उस वीडियो से आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि भाई आप समझ जाओगे कि लॉस कट एंड बुक सेट कैसा होता है, दोनों तरफ प्रॉफिट कैसे किया जाता है, डबल लिमिट से प्ले कैसे करा जाता है, लिमिट को पार्ट में यूज कैसे किया जाता है, हर वो चीज़ की वीडियो आपको मिलेगी, वो भी फ्री में। तो यहाँ पे सभी भाई जो कि मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सभी भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, SUVSCRIVED, ये जो ऑप्शन है इसको आपको दबाना है, और हमारे चैनल का, हमारी फैमिली का आपको सदस्य बनना है। और इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो बोलना ही भूल गया मैं, कि भाई आज है 21 जनवरी 2024 का दिन है, और कल के दिन आपको श्री रामचंद्र जी की घर वापसी, अयोध्या वापसी हो रही है 500 साल बाद। तो सभी भाई जो कि भाई सनातन धर्म अपनाते हैं, जो भाई सनातनी हैं एक तरीके से, जो कि श्री रामचंद्र पर विश्वास रखते हैं, राम जी पर, सभी भाई एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। हो सकता है कि भाई जो जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके लिए कल का दिन दिवाली का दिन हो, 22 जनवरी 2024 को, तो सभी भाई जय श्री राम का एक बार कमेंट जरूर कर देना। और जो भाई भाई नहीं मानते भाई सनातन धर्म को, मैं उनसे कुछ नहीं बोलूंगा भाई, सबके अपने अपने धर्म हैं, हम तो हैं सनातनी, तो भाई जय श्री राम बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यही बोलूंगा आप सबसे कि सभी भाई कल के मैच का जो विनर है पाकिस्तान, मेरे अकॉर्डिंग प्ले कर लेना जब जब आपको न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट मिले, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, जय श्री राम, मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए मैच के विनर के साथ।